10 का जमाना चला गया, विंडो 11 आ चुका है, और जिनके पास नकली विंडो है या क्रैक वाला विंडो है विंडो 10, उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं इनकी, कि वो लोग बहुत महान लोग हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगाकर असली विंडो या कंप्यूटर ख़रीदा जो कि क्रैक वाला नहीं है, तो उनके लिए खुशखबरी है कि तुम लोग आराम से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो विंडो 11 को। अभी मजा आएगा ना विंडो। तो इसके लिए कोई भी ब्राउज़र खोल लो, मैं रिकमेंड करूंगा कि क्रोम यूज़ करो। इसमें लिखो विंडो 11 डाउनलोड, मैं तुम्हें लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें फर्स्ट लिंक पर दबा देना। फिर ये जब खुलेगा तो इसका वेट करते हैं। फिर इसमें जो सबसे ऊपर में दो हैं उन दोनों को नहीं करना है, तुम्हें सबसे नीचे वाले पे जाना है, और ये दोनों हैं ओके, तो इन दोनों को नहीं यूज़ करना है, तुम्हें ये वाला यूज़ करना है विंडो 11 डिस्क मैनेज ISO, ये वाला बेटर है और ये सबसे ईजी मेथड है ओके। मैंने भी इसी तरह से किया है और तुम लोग देख लो। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसमें सिलेक्ट कर लेना है विंडो 11 और डाउनलोड पर दबा देना है, और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है, अपनी लैंग्वेज जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है, एंड कन्फर्म कर देना है। फिर ये मांगेगा कौन सा बिट, तो ये 64 बिट पे चलेगा, मेरा PC 64 बिट ही है जैसा कि तुम लोग देख ले सकते हो। तो तुम लोगों को इसे फटाफट से डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे दबा के 64 बिट वाला, अगर तुम्हारा 32 बिट है तो वो नहीं होने वाला है, सिंपल मैं बता दे रहा हूँ ओके। तो लेट इट डाउनलोड। तो जब तक वो हो रहा है उसे होने देते हैं, और मैं तुम्हें एक और चीज़ के बारे में बता दूं, तो ये कभी कभी ये तुम्हारे स्पेसिफिकेशन मैच नहीं करते हैं ओके, और अगर पीसी ज़्यादा लो एंड होगा तो उसमें नहीं होने वाले हैं। मेरा i3 था फिर भी चल गया, ये मैं लकी था मेरे मामले में। लेकिन अगर तुम्हारा भी मेरे जितना रिक्वायरमेंट है ठीक ठाक है, तुम्हें एक चीज़ डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है हेल्थ चेकअप, जो कि विंडो 11 का ही सॉफ्टवेयर है, तो उसे तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ, और फिर उसमें वो कोई अपडेट मिसिंग रहेगा तो उस सबको वो कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद तुम्हें दिखाएगा ओके। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या है। तो तुम्हें सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और उसमें विंडो 11 हेल्थ चेकअप करके सर्च करना, ये इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट पे तुम्हें सारे नए नए फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो हमें तो इससे मतलब नहीं, हमें अपना ऐप डाउनलोड करना है। तो एकदम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो नीचे में तुम्हें ये दिखेगा एक हार्ट के शेप में ऐप, जो कि देख सकते हो। तो इसे बस तुम लोगों को डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे दबा कर, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है और उसके बाद ये ऐसा इंटरफेस दिखाएगा, और ये दिखाता है इसमें कोई भी कट करके नहीं आता है, नीचे में आ जाएगा अगर ये नहीं हो पाएगा। इसमें तुम लोग देख सकते हो मेरा सब कुछ टिक किया हुआ है एंड ये सारे मेरा डन है। तो अब ये इंस्टॉल हो जाएगा मेरे इसमें एंड लेट्स बिगिन। जब ये हो जाएगा तो इसके नॉर्मली फाइल एक्सप्लोरर में खोल लेना, फिर इसमें सेटअप तुम्हें दिखेगा, इसे रन कर लेना है तुम्हें। फिर ये रन हो जाएगा, फिर ऐसा सा इंटरफेस आएगा, तो ये अपडेट वपडेट अपना ले लेगा। उसके बाद जैसे हो रहा है ये सारे, तुम तो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस को क्लोज करने की कोशिश करना ओके, और हेल्थ वाले को ऑन रहने देना क्योंकि वो बीच बीच में हेल्प करता है, एंड ये रीस्टार्ट लेगा बीच बीच में, एंड अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो ये ऐसे आ जाएगा, इसमें पूरा दिखा देगा, एंड फिर ये स्टार्ट हो जाएगा अपडेट होना। इसके बाद का मैं तुम्हें दिखा देता हूँ आगे क्या हो रहा है, एंड अब टाइम लेफ्ट चलेगा। देन आफ्टर दैट ये ऑन हो जाएगा, ये मतलब जैसे तुम नया PC खरीद के इंस्टॉल करते हो फर्स्ट टाइम, तो ये बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करता है। इसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है, तो गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर इट, एंड फिर ये थोड़ा मोड़ा जो भी है दिस माइट टेक अ फ्यू सेकेंड जैसे अपडेट होने के बाद होता है वो सब हो रहा है। एंड विंडो 11 कुछ खास बहुत बड़ा सा अपडेट नहीं है, जैसे कि समझ लो ये मत समझना कि विंडो 10 मैक बन गया ये वो, वैसा कुछ नहीं है, ये मेनली थीम चेंज हुआ है ओके। तो एंड्रॉयड यूज़र हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो मतलब ऐसे ही आप देख लो आगे का इंटरफेस कैसा है। तो जैसा मैंने कहा कोई खास मेजर चेंज नहीं है, ऐसा ही हो गया है। इसमें खाली है कि जब तुम लोग नया नया स्टार्ट करोगे तो ये सारे बटन सब छोटे छोटे आएंगे, तो ये एक दो बार रीस्टार्ट करने के बाद ठीक हो जाएंगे। एंड अगर तुम्हें सीखना है कि हम लोग लाइव वॉलपेपर कैसे लगा सकते हैं, वो भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट करो मैं तुरंत बना दूंगा भाई। एंड ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, ये रिसाइकिल बिन सीधा हो गया है, माई कंप्यूटर सीधा हो गया, जिसे हम लोग दिस PC कहते हैं विंडो 10 से ओके। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, और हमें वही दो सीधे हुए हैं, टास्क बार में चेंज दिखेगा तुम्हें जो कि मतलब और पहले से फास्ट हो गया है PC थोड़ा सा मेरा। एंड जैसे स्टार्ट बटन में चेंजेस आए हैं, इसमें भी कुछ खास चेंजेस नहीं है। तुम ऑल एप्स पे दबाओगे तो जैसे उस बार लेफ्ट विंडो 10 में लेफ्ट साइड आता था, इसमें यहाँ पे आएगा, तो ये भी कोई खास चेंज नहीं है। एंड वैसे ही नॉर्मल है, और लाइव वॉलपेपर लगाने का भी कोई नॉर्मल तरीका नहीं है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर तुम्हें वो भी सीखना है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एंड नाउ गुड बाय।
नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई, तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है, तब भाई ओ भाई दाई।